चुनाव अंतिम दौर पर है, तो आपको कांग्रेस पार्टी को इसमें कितना समर्थन लोगों का मिल रहा है, आपका क्या एक्सपीरियंस है आपका? नहीं नहीं मैडम, हमारे को 70% 75% कांग्रेस को वोट ज़्यादा है, 25% में बीजेपी और आम पार्टी है, और दोनों की जमानतें जब्त होने जा रही हैं। सदर बाजार के भले सेकुलर लोग हैं, वार्ड नंबर 80 के, हिंदू मुसलमानों का कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी कास्ट का कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ तमाम लोग हाजी उस्मान को समर्थन दे रहे हैं और तमाम लोग दुआएं कर रहे हैं, तमाम मंदिरों में पूजा हो रही है, गुरुद्वारों में पूजा हो रही है कि एक सेकुलर परिवार का मोहम्मद उस्मान को अजय माकन ने कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट दिया है, तमाम लोग इस बात का समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की किससे लड़ाई है, बीजेपी से या आम आदमी पार्टी? कांग्रेस पार्टी की जो लड़ाई है तो बीजेपी से है, आम पार्टी उनके एजेंट है। केजरीवाल की अब मीटिंग हो चुकी है बीजेपी से, वो बाहर से समर्थन देके मुस्लिम समाज के दलितों के वोट काटना चाहते हैं। केजरीवाल आज बीजेपी के एजेंट हैं, जैसे कभी जनता दल बनी थी, जो जनता दल इतने वोट काटती थी ताकि आराम से बीजेपी जीत सके, जो 89 के अंदर हुआ था। केजरीवाल जी ने अपना बयान दिया है कि वो हाउस टैक्स माफ करेंगे, आप इस बात से कितने सहमत? मैडम, हाउस टैक्स जो है उनको माफ करने की पावर ही नहीं है, अगर हाउस टैक्स पावर उनके पास पावर है, 67 सीटों का उनको विधानसभा में बहुमत मिला हुआ है, तो बिल पास कर दें। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्टर के अंडर में आता है, होम मिनिस्टर इसको कर सकता है, होम मिनिस्टर बीजेपी की सरकार है। अच्छा, अगर हाउस टैक्स खत्म कर दिया तो ये सफाई कर्मचारियों को तनख्वाहें कहाँ से दी जाएंगी, ये पार्कों का मेंटेनेंस कहाँ से होगा, ये सब चीज़ें कहाँ से होंगी? ये कांग्रेस पार्टी से लवली जी ने अपनी पार्टी छोड़ दी है, तो इस बात का वोटर्स पर क्या असर पड़े? नहीं नहीं मैडम, यहाँ तो पार्टी जो है ना करोड़ों लोगों की पार्टी है, ये आज़ादी की आंदोलन की पार्टी है, यहाँ तो हजारों जाते हैं हजारों आते हैं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी ने सरदार जी को इतना समर्थन दिया था, छोटी उम्र में उनको MLA बनाया, मिनिस्टर बनाया, उनको सब कुछ दिया, पर उन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने अच्छा नहीं, उन लोगों ने अच्छा नहीं किया। उस्मान जी के नेतृत्व के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया है, और ये हमारे जो है उस्मान भाई जो हैं मेहरबान भाई के छोटे भाई हैं, और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कांग्रेस के लिए लगा दी और कांग्रेस के लिए हर तरह से तैयार रहते हैं, और कौम की खिदमत करना, लोगों की हर तरह से मदद करना, हम चाहते हैं कि हमारे इलाके के अंदर उस्मान जैसे नेता शामिल हों और उनको आगे बढ़ाया जाए। आपको क्या लगता है कि चुनाव के बाद अगर ये चुनाव में विजय प्राप्त करते हैं तो आगे हुए अपने वादे पूरे तरीके से निभाएंगे? ये कोई शक की बात नहीं है कि ये नहीं निभाएंगे, निभाएंगे बिल्कुल, क्योंकि पहले से ही निभाते चले आ रहे हैं, इलेक्शन से पहले से ही ये कांग्रेस से जुड़े हुए और ज़मीनी नेता हैं, और ये काम करते रहते हैं, और हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ये पूरे वादे निभाएंगे। उस्मान जी ने यहाँ पे ऐसे कौन कौन से समाज सेवी कार्य किए हैं जिनसे आप संतुष्ट हैं? उस्मान भाई और उनका परिवार राजनीतिक तौर पे जितने मजबूत हों मगर उससे ज़्यादा सामाजिक तौर पे मजबूत हैं, क्योंकि हमारे एरिया के लिए राजनीतिक जो काम करेंगे वो तो अब करेंगे, मगर उससे पहले वो कई काम कर चुके हैं। जैसे हमारी गली में एक बहुत बड़ा नीचे हॉल खरीदा और उस हॉल को गली ठेली वाली में पूरा लोगों को समर्पित कर रखा है, उसमें शादी होती है, कोई फंक्शन हो वो होता है, पिछले 4 साल से पूरा इलाका उसको इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उस वक्त पे ना तो कोई टिकट की बात थी, कल को काउंसलर बनेंगे या कुछ भी हो, और आज भी आधी रात को भी अगर कोई भी भाई मेहरबान के पास, भाई उस्मान के पास चला जाता है तो उसके दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। केजरीवाल जी ने जो अपना बयान दिया है कि हाउस टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा, तो इस बात से आप कितने सहमत हैं? केजरीवाल जी ने जो बयान दिया है हाउस टैक्स, इस टाइम तो केजरीवाल जी पावर में है तो इलेक्शन से पहले क्यों नहीं कर देते वो? उनको चाहिए कि इलेक्शन से पहले पब्लिक को दे दें कि हाउस टैक्स माफ़ किया हमने। लेकिन केजरीवाल जी के जो झूठे वादे हैं जो हम देख रहे हैं, गलियों के अंदर कूड़ा, सड़कों पर कूड़ा, ये सब लोगों ने देखा, मच्छर आ रहे थे, लोग परेशान थे, तो क्यों नहीं केजरीवाल जी ने कुछ किया? अब हाउस टैक्स का वो एक इशू लेके चले हैं, क्या किया है उन्होंने? और जो एक लीडरों में बात हो रही है वो नहीं है, वो बिल्कुल अवामी आदमी है और अवाम की खिदमत का पूरा जज्बा है, मैं उनके साथ मेरे बड़े वास्ते पड़े हैं, किसी की दुख तकलीफ परेशानी हो तो हर तरह से उसके साथ खड़े हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ खड़े हुए हैं, और मुझे यकीन है कि उन सबकी दुआओं से वो जीतेंगे और वो अपने वादे जो भी किए उन्होंने उसको पूरा करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। महिला सुरक्षा के लिए उस्मान जी ने अब तक क्या कार्य किया और आगे क्या कार्य करने की संभावना? मैं भाई उस्मान जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ और उनके बड़े भाई हैं मेहरबान भाई साहब, उनको भी मैं बहुत दिनों से जानती हूँ। अजय माकन जी ने जो उनको टिकट दिया है तो यूँ ही नहीं दिया है, उनके कुछ क्वालिटी है, उनके अंदर कोई बात है, इसलिए उनको टिकट दिया है और वो टिकट के लायक भी थे। जो इंसान निगम पार्षद का टिकट मिलने से पहले, जीतने से पहले महिलाओं का इतना काम करते हैं, इतना ध्यान देते हैं, तो फिर उनको टिकट मिलना ही चाहिए था और उनको जीतना भी चाहिए। हम सबकी दुआएं, हम सबका साथ है और भाईचारा बहुत है, हम हमारे सदर क्षेत्र में वो सबसे मिलजुल के चलते हैं, कोई भी त्यौहार हो, मुस्लिम हो, कैसा भी हो, उस सब त्यौहारों में वो बहुत अच्छी तरह से मिलजुल के चलते हैं भाईचारा।
यहाँ पर तशरीफ फरमा मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं माजरत चाहता हूँ देर से आया। नगमा साहब को गुजारिश की थी, बेचारी कहीं से भागती दौड़ती आ गई हैं आप तक। अब इसका क्रेडिट मुझे होता, ये कह देना इसको नहीं होता। मेरा भाई यहाँ पे राजेश जैन हमारा साथी मेहरबान भाई, और जिसके लिए मैं आया हूँ, मुझे उसके बारे में ये कहूँ कि हम वोट मांगने आए नहीं भाई। इसने जो आपके दिल में प्यार कमाया वो सामने ये रखा हुआ है, आपका प्यार इसके लिए सामने दिखाई दे रहा है। अरे हम दोनों तो जामिन बन के आए हैं, जमानत के लिए आए हैं दूल्हे राजा, हम जमानत देने के लिए आए भाई। यकीन मानिए, कांग्रेस पार्टी ने इसको ओहदा दिया, इसको जगह दी, और इसने ये बताया निभाया कि मैं अच्छा काम करने वाला हूं, और आपके दिलों में भी जगह बनाई और कांग्रेस की पार्टी बनी। बस इसीलिए आपसे इल्तिजा करने के लिए आए हैं, माइक तो फिर कभी पकड़ लेंगे, आज आपसे मैं दिल से बात करने के लिए आया। मेरे भाई को, हमारे नौजवान लीडर को, उस्मान को बस अपनी दुआओं में याद रखना और कामयाब करना। बहुत बहुत शुक्रिया। और राजेश के लिए तो वैसे ही हम आते रहते हैं, मैं उनका भाई हूँ छोटा। एक मिनट मैम, नगमा जी बोल रही हैं। आज सबों के सामने एक ही गुजारिश करने आए हैं कि आने वाली 23 तारीख को कांग्रेस को वोट दीजिएगा और उस्मान भाई को भारी से भारी बहुमतों से जिता के इन्हें नहीं अपने आप को जिताइए, उस्मान को अपने साथ में रखिए, यही आपको हमेशा सुरक्षित रखेगा। नगमा जी